छोटा क्या बात है पतलू, देखो बॉक्सिंग में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को 10 लाख का इनाम। बॉक्सर भैया मोटू आपसे टकराएगा। मोटू आप दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। अच्छा मोटू तुम मुझसे लड़ोगे? अरे भोरपुरी नगर में तो आपसे पिटता ही रहता हूँ और यहाँ सबके सामने मुझे बेइज्जती करवाओगे क्या? मुझे नहीं लड़ना बॉक्सर भैया के साथ। अरे तुम्हें इज्जत की पड़ी है लेकिन हड्डी पसली तो मेरी टूटेगी ना। अरे तुम क्यों नहीं लड़ते? नहीं पापा आप नहीं लड़ सकते हैं, आप हार जाओगे। बेटा मैं लड़ूंगा तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तुम बिजनेस करना चाहते हो ना, तुम अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं पापा मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको तो बॉक्सिंग भी नहीं आती है। बेटा लड़ने के लिए बॉक्सिंग आने की जरूरत नहीं होती है, हिम्मत की जरूरत होती है। नहीं पापा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा। आप क्यों रो रहे हैं भाई साहब? आप दोनों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। आप उसके बिजनेस के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हैं और बेटा बाप के लिए अपना बिजनेस छोड़ने को तैयार है। वो बिजनेस जरूर करेगा। हाँ पर कैसे करेगा? मैं लड़ूंगा, मैं देखता हूँ बॉक्सर को। बेटा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुमको बिजनेस करा कर रहूंगा मैं। हाँ हट जाओ। बहुत बढ़िया मोटू, तो क्या करने जा रहे हो? मैं लड़ूंगा बॉक्सर से। और कोई मुझसे लड़ेगा? अगर कोई नहीं लड़ना चाहता तो ये प्राइस मनी बॉक्सर जी को जाता है। रुको मैं लड़ूंगा बॉक्सर से। तुम लड़ोगे मुझसे? मैं लड़ूंगा। अच्छा तो आ जाओ। कौन अजनबी आदमी है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं? ऐसा आदमी तो पहली बार देखा है। अरे तुम लड़ने आए हो या मुझे पिटवाने आए हो? मैं नहीं बनूंगा रेफरी, मैं नहीं बनूंगा रेफरी। डोंट वरी मोटू, रेफरी मैं बनूंगा। समझा दो ये फाइट करें, हम लुका छुपी नहीं खेल रहे हैं। अरे मैं तुम्हें थका रहा हूँ, जब तुम थक जाओगे फिर मैं तुम्हें हराऊंगा, पीटूंगा। अरे कौन किसको मारेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा संभल के। फाइट करेंगे बॉक्सर भैया, क्या हो गया? थक गए क्या? नहीं छोड़ूंगा।
क्यों मार खा रहे हैं? आप उससे नहीं जीत पाओगे। अरे चिंता मत करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम्हारे पापा बोलते हैं ना, लड़ने के लिए बॉक्सिंग आनी जरूरी नहीं है, हिम्मत की जरूरत होती है। अरे तुम लोगों की ये सब क्या बातें चल रही है? मैं बताता हूँ। अब तो ये फाइट तुम्हें हर हाल में जीतनी होगी। अरे मैं जीत के आऊंगा, चिंता मत करो। चलो बेटा यहाँ से चलते, हमारी वजह से ये बेचारा मार खा रहा है। रुक जाओ, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। नहीं है, हमें हरे बाजी को जीतना आता है। तुम साइड हटो। ओए मोटू, जीतने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अपने इतनी पिटाई क्यों करवा रहे हो? मुझे रुपयों का लालच तो नहीं है, पर फाइट तो मैं जीत कर ही रहूंगा। आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। बहुत भाग्य होना। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद मुस्कुरा कैसे रहे हो? अरे पतलू, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मेरा फेस पहले ही पंच में वैसे ही फिक्स हो चुका है, नीचे नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, ला मैं तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, अगर मोटू कुछ नहीं कर पाया तो बॉक्सर जीत जाएगा। बॉक्सर भैया, मुस्कुरा रहे हो या चेहरा फिक्स हो गया है? मुस्कुरा रहा हूँ। ये सोच कर कि तुमने ये सब कैसे किया? ये लीजिए आपका 10 लाख का इनाम। ये लो बेटा, जाओ और बिजनेस शुरू करो। थैंक यू, आपने हमारे लिए इतनी मार खाई और आप तो हमें जानते तक नहीं। अपने लिए तो सब करते हैं, मजा तो तब आता है जब दूसरों के लिए कुछ करो।